यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC या समान नागरिक संहिता एक ऐसा महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है जो किसी देश में नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को संरक्षित करने के लिए निर्धारित किया जाता है। यह एक मानवाधिकार के कानूनी रूपांतरण का प्रमुख स्रोत है और नागरिकों को संवैधानिक अधिकारों, स्वतंत्रता, सामान्य और सामाजिक अधिकारों, स्वतंत्रता के व्यापार, न्यायिक सुनवाई के अधिकार और विभिन्न उपाधियों के प्रतिष्ठान की सुरक्षा प्रदान करता है। समान नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य एक समान और न्यायसंगत समाज स्थापित करना है, जहां हर नागरिक को समान अधिकारों और सुरक्षा का लाभ मिलता है। यह संहिता भारतीय संविधान की मूलभूत आधारशिला है और भारत की न्यायिक प्रणाली द्वारा नागरिकों की संरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। समान नागरिक संहिता का महत्व। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। UCC द्वारा नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा मिलती है। इनमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन, स्वास्थ्य, गोपनीयता, मताधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, समानता, न्याय और विचार विमर्श की स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण अधिकार शामिल होते हैं। सामाजिक और आर्थिक समानता। समान नागरिक संहिता के माध्यम से समाज में सामान्य और आर्थिक समानता को सुनिश्चित किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई व्यक्ति अपनी जाति, लिंग, धर्म या व्यक्तिगत गुणों के कारण न्यायिक या सामाजिक प्रतिष्ठा से वंचित न हो। न्यायपूर्ण सुनवाई और अदालती संरचना। समान नागरिक संहिता न्यायालय की महत्वपूर्ण दिशा निर्देशिका है और न्याय प्रणाली की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक को उचित विचार विमर्श और न्यायपूर्ण सुनवाई का अधिकार होता है और उन्हें अदालती संरचना के माध्यम से न्याय मिलता है। स्वतंत्रता के व्यापार। समान नागरिक संहिता नागरिकों को स्वतंत्रता के व्यापार का अधिकार प्रदान करती है। यह मतलब है कि नागरिकों को विचारों, विचारधाराओं और धार्मिकता के मामलों में आज़ादी होनी चाहिए और उन्हें स्वतंत्रता के साथ अपने धार्मिक और सामाजिक अभिव्यक्ति के लिए कार्य करने का अधिकार होता है। नागरिकों की सुरक्षा। समान नागरिक संहिता नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों या सरकार द्वारा अनुचित रूप से उनकी जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति को धारण करने से बचा रहता है। संवैधानिक अधिकारों की संरक्षा। समान नागरिक संहिता नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की संरक्षा करने का वादा करती है। इसे भारतीय संविधान के साथ संयुक्त रूप से पढ़ना चाहिए और इसके तहत स्थापित किए गए संवैधानिक अधिकारों को नागरिकों को सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। इनमें संवैधानिक अधिकारों की सूची में सम्मिलित हो सकते हैं जीवन, स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, मताधिकार, संघर्ष में भाग लेने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने और मेल भेजने की स्वतंत्रता, शोषण और अत्याचार से बचाव, समान पारितोषिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, निवास और कार्यकारिता के अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, युवा का अधिकार, न्यायिक सुनवाई के अधिकार,
आपराधिक न्याय में सुनवाई के अधिकार और अवकाश और स्थायित्व के अधिकार शामिल हो सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड द्वारा निर्धारित अधिकारों की पालना सरकार की जिम्मेदारी होती है और न्यायिक प्रणाली द्वारा संरक्षित की जाती है। नागरिकों को इन अधिकारों का उपयोग करने, उन्हें जागरूक रहने और इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने का अधिकार होता है। यदि किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उन्हें UCC के अंतर्गत न्यायालय के माध्यम से न्याय मिलना चाहिए। यह न्याय प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है जो समाज को न्यायपूर्ण और समान बनाने के लिए कार्य करती है। समान नागरिक संहिता ने न्यायिक प्रणाली के लिए निर्धारित दिशा निर्देश, संरचना और न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया है। इसके द्वारा न्यायाधीशों को संविधान और समान नागरिक संहिता के मानकों के अनुरूप निर्णय लेने का अधिकार होता है और वे संविधान के माध्यम से सरकार और निजी पक्ष की न्यायिक सुनवाई करते हैं। इसके अलावा नागरिकों को संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय के पास जाने का अधिकार होता है। अगर किसी नागरिक का समान नागरिक संहिता द्वारा निर्धारित किया गया कोई अधिकार उल्लंघित किया जाता है तो उन्हें न्यायालय के माध्यम से इसकी शिकायत करने का अधिकार होता है। न्यायालय उनकी सुनवाई करेगी और अधिकार की प्रतिष्ठित करेगी। यदि कोई अधिकार का उल्लंघन साबित होता है तो न्यायालय उचित कार्रवाई करेगी और न्यायपालिका द्वारा उचित दंड या मुआवजा निर्धारित करेगी। समान नागरिक संहिता की महत्वपूर्णता यह है कि यह नागरिकों को सामरिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करती है। यह न्याय प्रणाली द्वारा न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद करता है और नागरिकों को संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करने और न्याय के लिए संघर्ष करने का साहस देता है। अंत में, समान नागरिक संहिता का एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संरक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किया जाता है। यह न्यायालय को स्थापित करने, न्याय प्रणाली को संरक्षित करने और नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने का अधिकार प्रदान करता है। समान नागरिक संहिता एक सामान्य मानदंड है जो न्यायालय के माध्यम से लागू होता है और न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संरक्षा और न्याय को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, यूसीसी से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके बताएं तथा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।